YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में बात करेंगे हम तीन बेहतरीन शेयर के बारे में, जिसमें अगर आप निवेश करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी गिरावट में, निश्चित रूप से आपको काफी बेहतर रिटर्न मिलेगा। दोस्तों याद रहे, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। जब भी निवेश करें, गिरावट में करें, कभी भी लोन लेकर के, किसी से उधार लेकर के इन्वेस्ट ना करें, इससे आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा शेयर है वो है पीआई इंडस्ट्रीज। काफी बेहतरीन और एग्रोकेमिकल सेक्टर का ये स्टॉक्स है। एग्रोकेमिकल काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है हमेशा से लॉन्ग टर्म में। देखिए यहाँ पर मार्केट कैप जो है 48,000 करोड़ का है और ये कंपनी जो है काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट में, एग्रोकेमिकल्स में। अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू का, तो देखिए 76% रेवेन्यू जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट से आती है, इंटरमीडिएट से आती है, और 23% रेवेन्यू जो है फार्मुलेशन से आती है। तो इस तरह से कंपनी का जो रेवेन्यू का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। वहीं पर कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है 0.16% का है और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड की बात करें तो 15% से ज्यादा है दोनों का दोनों। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 46.7% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी की बात करें 0.06 है डेट टू इक्विटी, काफी कम डेट टू इक्विटी है। वहीं टोटल डेट जो है 328 करोड़ का है और वहीं कंपनी के पास जो रिजर्व है 5,327 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का वो है 780 करोड़ का। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का काफी बेहतरीन है। बात करें वहीं पर जो कंपनी का टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ है, तो सेल्स यहां पर देखिए 543 करोड़ का सेल्स है 2010 में, जो कि लगातार यहां पर सेल्स इंक्रीज हुआ है और मार्च 2021 में टोटल जो सेल हो चुका है 4,577 करोड़ का। और दूसरा बात यहाँ पर जो बॉटम लाइन ग्रोथ है, मतलब जो प्रॉफिट है कंपनी का 2011 में मात्र था 65 करोड़ का, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है और यहाँ पर 2021 में हो चुका है 738 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी काफी जबरदस्त है। अब बात करें बैलेंस शीट का, तो जो शेयर कैपिटल है 15 करोड़ का और रिजर्व जो है कंपनी का 5,300 करोड़ का हो चुका है, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है। कंपनी का जो डेट है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 328 करोड़ का, जबकि पिछले साल की तुलना में डेट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अब बात करें कैश फ्लो का, तो कैश फ्लो जो है यहाँ पर कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है। देखिए कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है और लगातार इंक्रीज भी हुआ है। यहाँ पर कैश फ्लो जो है 2021 में हो चुका है 725 करोड़ का। और बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, तो यहाँ पर जो प्रमोटर्स का स्टेक है वो 46.74% है, तो प्रमोटर्स स्टेक भी अच्छा खासा है और वही 2018 में था 51.43, तो प्रमोटर्स स्टेक यहाँ डिक्रीज भी हुआ है लगभग 5% से, लेकिन अभी भी अच्छा खासा प्रमोटर का स्टेक है इस कंपनी में। वहीं FIs का स्टेक देखिए 13% से बढ़कर के 90% हो गया, DIs का स्टेक 19% से बढ़कर के 21.98% हो गया और पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा यहाँ डिक्रीज हुआ है 16% से घट करके 11%। देखिए ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में हमारे जो पब्लिक के स्टेक्स है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे। अब बात करें यहाँ पर जो टेक्निकल चार्ट है, चार्ट पर ये स्टॉक्स काफी सॉलिड है। यहाँ पर देखिए 3,533 इसका यहाँ पर हाई है और अपने हाई से काफी डिस्काउंटेड प्राइस में मिला है 3,243 रुपीज पर, तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक में चाहे तो अभी निवेश कर सकते हैं और किसी भी गिरावट में आप अपने स्टेक जो है इस स्टॉक में बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, काफी बेहतरीन शेयर, 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और बात करें यहाँ पर जो ये कंपनी है चार मेजर सेगमेंट में काम करती है। देखिए बेसिक केमिकल मैन्युफैक्चर करती है और दूसरा फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर करती है, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बनाती है और यहाँ पर फिनॉल और एसी टोन भी बनाती है। तो काफी बेहतरीन ये कंपनी है, 80% मार्केट शेयर रखता है सोडियम नाइट्रेट में, मतलब इस प्रोडक्ट को बनाने में, और 60% ग्लोबल मार्केट शेयर रखता है DASDA में और 75% मार्केट शेयर है इन ऑप्टिकल ब्राइटिंग एजेंट में। अब बात करें यहाँ पर कंपनी के जो डिफरेंट पैरामीटर्स है, तो डिविडेंड यील्ड 0.16% है, काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड देखिए लगभग 40% के आसपास है, ये भी काफी सॉलिड है। प्रमोटर्स होल्डिंग 45.7% है, प्लीज परसेंटेज बिल्कुल जीरो है, कोई भी शेयर प्लीज नहीं है। डेट इक्विटी 0.25 का है, जबकि टोटल डेट 590 करोड़ का है और रिजर्व 2,319 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 979 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट और
सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कंपनी का जो है मात्र 53 करोड़ का था 2015 में, जहां से बढ़कर के हो गया 776 करोड़ का, और जो सेल्स है वो है 1326 करोड़ का 2015 में, जो कि लगातार बढ़ा है, और 2021 में हो चुका है 4360 करोड़ का। अब बात करते हैं बैलेंस शीट का, तो यहाँ पर देखिए शेयर कैपिटल जो है 27 करोड़ का है, और रिजर्व जो है कंपनी का वो है 2319 करोड़ का, रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है। वहीं बात करें बोरोविंग का, तो यहाँ पर देखिए कंपनी का जो डेट है वो अभी काफी डिक्रीज हुआ है पिछले दो तीन साल के तुलना में। और बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, तो इन्वेस्टर सेक्शन में प्रमोटर्स का स्टेक यहाँ पर लगातार इस कंपनी में बढ़ रहा है। देखिए इतना महंगा स्टॉक्स लगातार स्टॉक्स न्यू हाई बना रहा है, फिर भी इसमें प्रमोटर्स का स्टेक पिछले दो साल में 1% से बढ़ा है। 2018 मात्र 44.63 था, जबकि यहाँ पर 45.69 हो चुका है। तो जब ऐसे बेहतरीन स्टॉक में प्रमोटर खुद अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी इन्वेस्टेड हैं। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप ऐसे बेहतरीन स्टॉक में इन्वेस्टेड रहेंगे, काफी बेहतरीन रिटर्न आपको मिलेगा। अब कैश फ्लो की बात करें, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव रहा है, और लगातार कैश फ्लो इंक्रीज भी हुआ है। अब यहाँ पर बात करें जो दीपक नाइट्रेट है, इसके शेयर प्राइस के चार्ट का, तो यहाँ पर चार्ट पे स्टॉक्स काफी सॉलिड रहा है, और लगातार ये स्टॉक्स चार्ट पे देख सकते हैं ग्रोथ मोड में रहा है। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक्स में जरूर निवेश कीजिए, जब भी गिरावट में मिलता है तो गिरावट में जब भी मिले निवेश कीजिए, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए, काफी बेहतरीन यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये स्टॉक जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है, तो जब भी ये 2600 के आसपास मिलता है तो इसमें निवेश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ब्रेकआउट में यहाँ रिटेस्ट करे, तो रिटेस्ट में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। अगला स्टॉक है मिंडा इंडस्ट्री, काफी बेहतरीन स्टॉक्स, मार्केट कैप 20,000 करोड़ का, और डिविडेंड यील्ड 0.12% का, और यहाँ पर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देखिए ये तो काफी कम है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 9.97%। अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 67.5% का है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.52 का है, मात्र यहाँ पर 1163 करोड़ का डेट है, जबकि रिजर्व 2200 करोड़ का रिजर्व है, और नेट प्रॉफिट मात्र 352 करोड़ का है, तो काफी कम यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी कंपनी का है। अब बात करें बिजनेस का, कंपनी जो है मुख्य रूप से ऑटो बनाने वाली कंपनी है, और यहाँ पर देखिए फ्लैगशिप कंपनी है एनके मिंडा ग्रुप का, एनके मिंडा ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है, और काफी मतलब ऑटो कंपोनेंट में डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखती है, और कंपनी जो है लार्जेस्ट स्विच प्लेयर है इन इंडिया, और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन हॉर्न सेगमेंट, जो हॉर्न सेगमेंट है उसमें ग्लोबली लेवल पे सेकेंड लार्जेस्ट है, और स्विच प्लेयर में जो है कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट प्लेयर है। तो ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड ये सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। वही बात करें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस का, देखिए सेल्स ग्रोथ 2010 में मात्र 620 करोड़ का सेल्स था, जहां से लगातार बढ़ा है, और 6374 करोड़ का यहां पर सेल्स हो चुका है। बात करें यहां पर 2010 में प्रॉफिट का, तो यहां पर मात्र 23 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि लगातार बढ़ा है, और 2021 में हो चुका 207 करोड़ का। तो थोड़ा सा इस सेक्टर में जो है आपको साइक्लिक नेचर देखने मिलेगा, एक बार जब ग्रोथ आएगा तो आपको लगातार स्टॉक से न्यू पर न्यू हाई बनाता हुआ दिखेगा, और जब सेक्टर रिवर्स होता है तो स्टॉक में लगातार आपको गिरावट भी देखने मिलेगा। अब बात करें शेयर प्राइस के चार्ट का, तो देखिए चार्ट पे स्टॉक्स काफी सॉलिड रहा है, यहाँ पर इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है लगभग 700 के आसपास, 692 रुपीज इसका सपोर्ट लेवल है, और फिर वही बात करें रेसिस्टेंस का, इसका जो रेसिस्टेंस है यहाँ पर वह है लगभग 800 के ऊपर, 800 के ऊपर जब ये स्टॉक्स 835 के ऊपर निकलता है तो फिर ये स्टॉक्स स्ट्रांग रूप से बुलिश होगा, और नीचे जो है जो 692 है ये इसका सपोर्ट रीजन है, और ये इसका बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी स्टॉक इसके नीचे जाता है तो निश्चित रूप से स्टॉक में काफी ज्यादा वीकनेस देखने मिलेगा, और जब भी स्टॉक इस लेवल के ऊपर निकलता है 835 के और सस्टेन कर जाता है, निश्चित रूप से यहाँ स्ट्रांग रूप से ये स्टॉक्स बुलिश होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जहां पर आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। जितना गिरावट में मिले लॉन्ग टर्म के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि जितना आप कम प्राइस पे स्टॉक्स को लेंगे उतना ज्यादा क्वांटिटी आप बाय करेंगे, और उतना ज्यादा आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।